अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ केक की बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। केक की इतनी क्विक रेसिपी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप चीनी, 1/3 कप ऑयल, 1/4 कप दूध और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसके साथ हम लेंगे वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून हम ये यूज़ करेंगे। कोको पाउडर, ये डेकोरेशन के लिए है, आप चाहें तो डेकोरेशन स्किप भी कर सकते हैं और सिंपल केक ही बना सकते हैं। इसके साथ में 3 अंडे ऐड होंगे इसमें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ब्लेंडर के जग में ये 3 अंडे ऐड करूँगी मैं। आपको अलग से कुछ भी फेंटना नहीं पड़ेगा, ना चीनी ग्राइंड करनी पड़ेगी, सब चीज़ें बहुत ही क्विकली तैयार हो जाएंगी। 3 अंडे इसमें ऐड कर लिए, साथ ही ऑयल ऐड करेंगे इसमें और हम इसमें शुगर डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और बैटर हमारा अच्छे से बीट हो जाए। अब इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, आपने मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है, और मिल्क ऐड करेंगे, वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून अच्छी सी खुशबू के लिए। अभी अगेन इसको 2 से 3 मिनट ब्लेंड करेंगे और ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, 7 इंचज़ का मोल्ड आप ले सकते हैं, होना चाहिए जितना बेटर होगा उससे डबल केक ने फूल कर होना है। अगर ये आपने मोल्ड छोटा लिया तो केक बाहर निकल जाएगा। इसको 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ये देखिए। अभी इसमें बटर पेपर रखेंगे, आप कोई भी वाइट पेपर लेकर उसको ग्रीस कर सकते हैं ऑयल के साथ, आधे घंटे बाद वो बटर पेपर की शक्ल में आ जाएगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको नीचे चिपका कर तो बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, इसके अंदर ये स्टैंड रख देंगे और कवर लगा देंगे। बैटर के 3 टेबल स्पून मैंने बचा लिए थे, वो इसमें ऐड किए हैं मैंने। 1 कटोरी में 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेना है कि कोको पाउडर के लम्ब्स ना रहें और वो अच्छे से बीट हो जाए। सबको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। दूध अगर ना ज़रूरत हो तो ना डालें, इसको बहुत पतला नहीं होना चाहिए बैटर को। यहाँ पे मैंने पॉलीथीन बैग लिया है एक मज़बूत वाला, और ये बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी हम कोन बनाएंगे, ये देखिए, और इसको कोने से थोड़ा सा कट लगाकर इस केक के ऊपर इस तरह सर्कल सर्कल बनाते जाएंगे, देखिए। अब आपने टूथपिक लेना है या कोई भी छोटी सी स्टिक, जिस तरह माचिस की तीली भी हो सकती है, और उसके साथ अच्छी तरह से ये एक एक लाइन ड्रॉ करते जाना है जिस तरह कट लगाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया। अब इधर कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है और इसके अंदर हमने रख कर इसको 35 बेक होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए और इसको दरमियान में आपने ओपन करके बार बार चेक नहीं करना, वरना केक बैठ जाता है। लीजिए, केक हमारा रेडी है। मैंने नाइफ़ के साथ इसे चेक किया था। बटर पेपर रिमूव कर देते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, देखिए माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक और कलर भी, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।